subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसको लेकर हर फैंस के मन में कहीं ना कहीं द्विधा रहती है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से पिछले कई महीनों से फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बाकी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत ही ज़्यादा फर्क देखने को मिल रहा है। जहां अब धीरे धीरे सभी अपने काम पर लौट रहे हैं, ऐसे में बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस भी इन दिनों अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए वापस अपने स्टूडियो लौट रहे हैं, जहां अभी हाल फिलहाल में स्टूडियोज में गहमागहमी बढ़ रही है और कलाकार अपने फिल्मों को लेकर एक बार फिर बिजी से हो गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक बड़े होनहार एक्ट्रेस की, यानी कि सलमान खान की। सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का काम भी आगे बढ़ रहा है। कैसे सलमान खान बड़े पर्दे पर ही अपनी फिल्म राधे को रिलीज कराना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से अपनी फिल्म को उन्हें आगे बढ़ाना पड़ा और अब राधे फिल्म की शूटिंग जो बाकी बच गई थी वो होगी और जल्द ही आप सभी फैंस के बीच अब राधे फिल्म बड़े पर्दे पर आने वाली है। वैसे हाल फिलहाल में लॉकडाउन के दौरान कई फिल्में OTPP प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज हुई और फैंस को और एक्टर और एक्ट्रेस को उतना ही प्यार मिला जितना बड़े पर्दे पर मिलना चाहिए था। लेकिन सलमान खान अब अपनी फिल्म राधे को बड़े ही पर्दे पर लेकर आने वाले हैं और आपको बता दें कि इसी चीज़ को लेकर रणदीप ने इंस्टाग्राम पर फोटो साझा करते हुए लिखा कि काम पर लौट कर मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। और हाल ही में आपको बता दें कि रणदीप के घुटनों की सर्जरी हुई थी सलमान खान के साथ और अब रणवीर की ये आपको बता दें कि तीसरी फिल्म है सलमान खान के साथ, इसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ न्यूज़ रूम से। दीपक कुमार तोमर की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.